क्या साइज रियली मैटर करता है औरतों के लिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साइज के बारे में लोग बहुत ही ऑब्सेसिव है, बार बार वही सोचते, बार बार वही सवाल करते रहते हैं। और कुछ औरतें भी साइज के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहती है, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि साइज छोटा है। अभी मेरे पास में एक कपल आया, शादी को 4 साल हो गए और 4 साल में उनका अभी तक सेक्स हुआ ही नहीं। तो मैंने अभी तक क्या कर रहे थे, तो नहीं बोले पहले कोविड के पहले शादी हुई थी, फिर उस समय हमने देखा कि नहीं हमको बच्चा नहीं होना है, और बच्चा नहीं होना फिर सेक्स क्यों करना, इसलिए हमने 1 साल तक सेक्स नहीं किया। फिर बाद में कोविड आ गया, फिर कोविड में बोले हमारे लोगों ने बताया कि नहीं अभी सेक्स नहीं करना चाहिए, फिर कोविड में 2 साल चले गए। अब पिछले 5-6 महीने से कोशिश कर रहे तो इरेक्शन नहीं हो रहा है और जम ही नहीं रहा है। और फिर वो उसको पूछा औरत को, दोनों साथ में आए थे, तो बोले इनका साइज़ बहुत ही छोटा है और उनका इरेक्शन ही होता नहीं है। तो फिर क्या रियली साइज मैटर करता है क्या, उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी चर्चा उनसे की। मालूम पड़ा कि एक्चुअली साइज़ उसका ठीक था, क्योंकि हम हरदम बोलते हैं कि भाई जब ढीला है नॉर्मल कंडीशन में 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और इरेक्शन जब है, कठोरता जब आती है, तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। उसका दोनों समय भी बराबर था। फिर प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यह है कि करीब करीब 80-85% औरतों को, 80-85% महिलाएं जो है उनको क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन लगता ही लगता है एक्साइटमेंट के लिए। अलग अलग रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि 4-14% 4-14% ये जो आंकड़ा है, 4-14% औरतों को ही सिर्फ योनि से समाधान मिलता है। मतलब उनको बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ योनि में लिंग का प्रवेश हो गया, योनि में सेक्स किया तो उनको आनंद आता है और समाधान ही होती है। और बाकी 85-89 तक, मतलब इतना बड़ा आंकड़ा है ये, कि इसमें औरतों को वजाइनल मतलब योनि में लिंग डाल के समाधान होता नहीं है, उनको क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन की आवश्यकता है। तो फिर क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन करना जरूरी है, और क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन होता है फोरप्ले में। फोरप्ले करो, सेंसिटिव पार्ट्स देखो औरत के, कि कौन से पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे शोल्डर्स है, बटक्स है, निपल्स है, होंठ है, गाल है, गर्दन है, तो जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है, और वो कौन से सेंसिटिव पार्ट है ये कैसे मालूम करना, सिंपल पूछना कि भाई कौन से सेंसिटिव पार्ट है, कि जहाँ लगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और वो सेंसिटिव पार्ट को एक्साइट करते हैं, क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन करते हैं, फिंगरिंग करते हैं वजाइना में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट औरत को आ जाएगी। और फिर इंसर्शन करने के बाद में, मतलब लिंग का प्रवेश अंदर करने के बाद में, फिर ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, थोड़े समय में भी वो खुश हो जाएगी, और फिर बाद में वो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा छोटा है। क्या होता है कि उनको समाधान होता ही नहीं, समाधान होता नहीं है और उनको लगता है कि इसका छोटा है करके समाधान नहीं हो रहा है। एक्चुअली लंबाई का और समाधान का कोई ऐसा संबंध है नहीं। कुछ औरतें जो है जो वजाइनली हाइपर सेंसिटिव है, मतलब योनि जो है उनकी हाइपर सेंसिटिव है, तो उनको भी वजाइना में किया तो अच्छा लगता है। अदरवाइज वजाइना का मतलब योनि का बाहरी 1.5 इंच हिस्सा ही सेंसिटिव रहता है, अंदर का सेंसिटिव रहता ही नहीं है। तो आपने समझो 4 इंच भी अंदर डाल दिया और पूछा कि कितना लंबा है, बोलेंगे 1.5 इंच है, क्योंकि उसको तो अंदर मालूम होता ही नहीं है कि कितना है। 6 इंच रहा और अंदर डाल दिया, बोले कितना इंच है, पूछा तो बोले 1.5 इंच है, क्योंकि उसको तो मालूम होता ही नहीं। तो साइज एक्चुअली मैटर करता नहीं है, लंबाई और गोलाई मैटर करती नहीं है, समाधान होना, ऑर्गेजम होना, क्लाइमैक्स होना वो महत्व का है। और वो क्लाइमैक्स तभी हो सकता है जब आप फोरप्ले में कम से कम 10-15 मिनट पहले आप निकालते हो या देते हो, और बाद में इंसर्शन करो, और इंसर्शन करने के बाद में जब इजैकुलेशन होता है, वीर्यपात होता है, उसके बाद में आफ्टर प्ले करो। और आफ्टर प्ले में भी खेलना, गप्पे मारना, चिपक के रहना, साथ में कोई स्नैक्स खाना, मतलब ऐसा कुछ तो भी करना कि जिससे उसको और ज़्यादा मज़ा आता है आफ्टर प्ले में। तो ये सब करते हैं तो साइज़ का कोई मैटर होता नहीं है, साइज़ में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लोग अपनी साइज़ कंपेयर करते हैं पॉर्न के वीडियो देख देख कर, कि पॉर्न में देखो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे पेनिसेस रहते हैं,
लिंग रहते हैं और देखो अपना नहीं है, अरे भाई पॉन के लिए स्पेशल एक्टर्स चुने गए हैं, वो लोगों को चुना गया है कि जिनके एक्चुअली लंबे है, और 1000 में से 7 से 8 लोग ऐसे रहेंगे कि जिनके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, 6 इंच है, 7 इंच है ढीले बंद में भी, तो वो लोगों को लिया जाता है, फिर रिलेशन में तो और बढ़ जाता है, तो वो तो पेड़ लोग है, वो तो मूवी है, उससे अपना कंपेरिजन मत करो। और बाकी कोई 4 फुट 10 इंच है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, और कोई 6 फुट 4 इंच है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, लंबाई में कोई 6 फुट 4 इंच है, 6 इंच है तो बीमार है कि नहीं, 4 फुट 10 इंच है कि बीमार है कि नहीं, दोनों भी सही, अपना अपना है, पैसा लिंक का है, 1.5 इंच से कम नहीं होना, कम से कम 1 इंच तो भी होना चाहिए ढीलेपन में, और इरेक्शन में 3 इंच तो भी होना चाहिए, तो साइज मैटर करता नहीं है। और फिर यदि उसको समाधान हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे मालूम करना है, कौन सा एरिया सेंसिटिव है कैसे मालूम करना है, पूछना है, पूछो। तो ये जो मैंने टिप्स आपको बताया इसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाएगा, दोनों भी खुश हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।